अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब ठीक है। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। जी प्यारे बहन भाइयों, बैठी हूँ देख रही हूँ इसने मेरी आयत ने पला खींचा है छती का, तो ये आम गिरा है जो पूरा बर्तन बच गया। ये देखे ना कप किधर आके, ये बिल्कुल कप अड़ गया था। ये तो अभी अंदर आए ना तो बिल्कुल ये बर्तन आगे हो गए थे। मैंने यूं फटाफट हाथ रख लिया, लग जाता तो क्या होता। देखो नीचे से हंस रही है, ये आपने क्यों पला खींचा है? हैं जूनी देखो ना इधर, ये आपने क्यों खींचा है? ये किसने खींचा है सोनी? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है की है, नहीं है, नहीं है की है, कह रही है नहीं है, नहीं है, मैंने नहीं है की है। हाँ जी, तो अब सोच रही हूँ उठूँ बर्तन उतारूँ, उतार के रख दूँ, फिर कहती हूँ बात भी नहीं करने दे रही। जो बर्तन नीचे हुए तो सारे टूट जाएंगे। आपने रखा भी इसको बिल्कुल किनारे पे है, थोड़ा सा ऊपर करके डालती के बर्तन सही है। इन्होंने बदतमीजों ने किया है, ये देखे कप के निशान बने हुए। हाँ जी बिल्कुल, अब ये सारे बर्तन आपको उतारने पड़ेंगे। साथ साथ उतारूंगी ना, साथ साथ उतारूंगी, पहले मैंने कहा था उतार के रख देती हूँ। हाँ जी माशाल्लाह हो गया, लटका दिया बेगम साहब ने इसको। मैंने छींक क्या मारी ना, दोनों ने मेरी मजाक उड़ाना शुरू कर दी। इधर ले के आओ, आपको लड़ाई शुरू। बहुत अच्छी है, आप ही है, आप ही है, आप ही है प्यारे व्यूअर्स, ये बहुत प्यारी आप ही है। हाँ जी, हाँ दे दी है ऐसे क्लैपिंग। छोनी पापा ने कैसे किया था? पापा ने कैसे किया था? छोड़ दी, छोड़ दी, तोड़ दी, तोड़ दी, ये टूट गया ना, ये टूट गया। हाँ पीछे तो अच्छा, पकड़ लिया। अच्छा जी चले प्यारे बहन भाई, राशि साहब के काम चेक करें, लहसुन ला के नहीं दे रहे। रात को मैं लेके आई हूँ तो कह रहे ये चाइना का लहसुन ही नुकसान दे है। अब चाइना की कौन सी चीज़ नहीं, हम पाकिस्तानी यूज़ करते हर चीज़ यूज़ करते, जो लहसुन चाइना का ले आई हूँ तो क्या हुआ? मैंने देसी लहसुन, देसी होता है ये, चाइना का नहीं है ये, देसी है। इतना मोटा देसी होगा तो फिर क्या बात है, खुशबू उसकी इतनी ज़्यादा खुशबू। हाँ जी खुशबू तो आज आज का व्यूअर्स आप सबने देख के मुझे बताना ये चाइना का। पीछे तो सोनी, पीछे तो हटो। हाँ जी ये देखे प्यारे व्यूअर्स, ये चाइना का है या पाकिस्तानी या जापान का है? ये इतना मोटा लहसुन चाइना का होता है, पाकिस्तानी नहीं है। इतनी ज्यादा खुशबू है व्यूअर्स, आप सबको नहीं आ रही, मुझे तो आ रही है, बहुत खुशबू है। ये हम ही कह रहे हैं 150 रुपए किलो था व्यूअर्स, 150 रुपए किलो, और मैं चाइना का है तो चाइना का जो है ना नुकसानदेह होता है, आपको इस चीज का नहीं पता। नुकसानदेह मैं जब भी लेके आता हूँ तो मैं प्यारे व्यूअर्स मैं आपको बताती हूँ, इसको मैं रख लू ना फिर बताऊंगी। जी बताऊँ क्यों ज्यादा भारी है? आधा किलो वजन ही चाहो ना? नहीं नहीं, ये बड़े जो पिछली बड़ी थी ना, ना लहसुन थे ना टमाटर, कोई चीज नहीं थी लेके आए, बस काम इस तरह का था। और ये अब्दुलरहमान को मैंने 100 रुपया दिया, मैंने कहा जा अब्दुलरहमान अदरक तो लहसुन ले आओ, चलो प्याज टमाटर चिकन गोश्त में ना भी डाला कुर्बानी गोश्त में, वो तो वैसे भी माशाल्लाह से जायके वाला होता है, वो लड़ रही है। किसने मारा है? मार रही है। तो अब्दुलरहमान को मैंने 100 रुपया दिया, मैंने कहा जाओ सब्जी वाली दुकान से ना अदरक लहसुन लेके आओ। अब्दुलरहमान गया तो वो कह रहे देते ही नहीं है हम 100 रुपये का अदरक लहसुन, 100 रुपया कोई चीज़ ही नहीं है भाई। इतना मंडियों में भी महंगे हो गए थे और दुकानों में भी, मैं इसीलिए कुछ दिन पहले लहसुन ले आई हूँ, मैंने कहा चलो फिर पैसे होंगे मैं अदरक ले आऊँगा, फिर पैसे हुए तो टमाटर ले आऊँगी, इसी तरह कुर्बानी की ईद की चीज़ें जमा हो जाएंगी, फिर जब्त कर अदरक लहसुन कुर्बानी गोश्त मिला वो गोश्त की मुश्किल नहीं मिली। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, हाँ अब्दुलरहमान रात का भी रो रहा था, मामा इस दफ़ा भी कुर्बानी नहीं दे रहे, मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से जब भी हुक्म हुआ हम कुर्बानी ज़रूर देंगे। अल्लाह हार करेगा इंशाल्लाह, बस थोड़ा बहुत जो कर्जा उतार के ना तो फिर इंशाल्लाह करेंगे, जब तक कर्जा ना तो उस टाइम एक दिन आएगा ना हमारे पास भी घर अपना होगा इंशाल्लाह, एक दिन होगा ना सारी फरमाइशें बच्चों की पूरी होंगी। मैंने प्यारे व्यूअर्स मुंता और आयत कितने प्यारे फ्रॉक सी है, कभी लैस मिलती है, लैस मिल जाए, बटन नहीं तो मिलते, अब बटन मिले मुझे पसंद नहीं आ रहे बटन। ये पकड़े पहन लो, पकड़े आ गए आपके, ना छेड़े वो फिर कह के मुझे पहनाए ना बोले फिर पिटियों को पता है। छोनी पकड़े पहन लो, नहीं पकड़े
चलो आए पकड़े पहन लो। मेरे बच्चों के बिल्कुल कपड़े लोन के नहीं थे, अचानक कहीं आना जाना पड़ जाए तो मैं क्या करती। अपने तो मेरे ईद पे जो गिफ्ट आए थे सिस्टर जिसने भेजे थे वो तो मैंने सिलाई, मेरी दोस्त लेके गई है सिलाई कर रही है, वो दो महीने हो गए दिए हैं। ये बर्फ वाले जिसमें बर्फ डाल के लेके आते हैं ना चिकन वाले, बिल्कुल इस ये अभी तो नहीं इतने मजे के लग रहे, ये जब आए तो पहने की ना बहुत प्यारे लगेंगे। क्यों नहीं मजे के लग रहे, इतने प्यारे लग रहे हैं, इस तरह प्यारे लग रहे हैं। अच्छा ये मेरी बात सुने ना, यहाँ से नीचे सिलाई मार दे और सही बात है, क्या नाम है बंदा बाहर जाता है सब्जी ले आता है। जी हाँ जी मैं भी सब्जी ले आता, ये बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना तो फिर ये मेरी मुंतार के। अच्छा ये मुंतारा नहीं के आयत पीछे दोनों एक जैसे हैं, दोनों चारों के हैं ना। ये मैंने आयत की जमा सिलाई की शलवार जबरदस्त खुला सिलाई की है, ये फाड़ देती है, और मुंतहा का नहीं था बन रहा, मैंने इधर उधर पीस पूस डाल के टेढ़े मेढ़े पीस डले हुए, मगर मैंने कहा फिर पजामा ना इसका मुंतहा का बना तो मैं क्या स्टाइलिश बन गया ना टेढ़े मेढ़े पीस डाल के। अभी आलू खाएंगी? आलू नहीं, वो बच्चे कह रहे भूख लगी ट्यूशन से आए तो मम्मा मैं चिप्स बना दे, तो मैंने कहा चिप्स बना, आलू पड़े हुए थे घर पे। अच्छा तो ऑयल वही वाला पड़ा हुआ है जब गुलाब जामुन बनाए थे। हाँ सही है, ऑयल में बहुत बरकत पड़ी है माशाल्लाह। हाँ जी आप उतकी हो क्यों नहीं, आप उतकी हो चिप्स खाएंगे ये सारे ठीक है। हम क्या खाएंगे सुने ठीक है, आप मुझे मारना एक मैं आपको दो मारूंगा बस ठीक है। ठीक है आपने चिप्स भी खानी जो ये आलू कच्चे मांग रही हो, आपने चिप्स खानी है नहीं खानी तो जे किसा मंगी तो मैं उसने दंद पान दे सा नहीं। कच्ची आप खाओ ठीक है ना, आप कच्ची खाओ पेट में दर्द पड़ता है। अच्छा ये क्या मसाले भी बीच में, ये नमक नमक डालूंग ना भी देखे ना बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, लगता है कोई नई तरीका सो कड़न लगे हो। नहीं कल क्या आलू खराब हो रहे थे, दो आलू खराब इतने बड़े बड़े फेंके, ये किधर क्या छापर वो रख, वो इधर फेंक दिया अभी। ये नमक पहले डालूंगी, आलू जरा गीले ना मिक्स हो जाएगा माशाल्लाह। वाह जी वाह, मिर्चें आज मिर्चा वाली चिप्सां, ये हल्दी, ये ब्लैक मिर्च, काली पेपर, काला पेपर, ब्लैक पेपर, काला पेपर, ब्लैक पेपर। आप सीधा बोल दे काली मिर्चें पीसी, काली मिर्चें पीसी हुई। ये चिप्स माशाल्लाह हमारी जो है ना तैयार होगी अभी, ये अभी से मैदा, तो ये देखिए हमारी सारी फौज खड़ी है खाने के लिए इंतज़ार में, और ये हमारी जेंटलमैन भी खड़ी है ज़हरा नूर। अच्छा हाँ जी हो गया मसाला शाला लग गया माशाल्लाह जी, वाह जी वाह। अब ये पकेगी चिप्स, ऐसी ज़बरदस्त चिप्स तैयार होगी माशाल्लाह। क्या बात बच्चे सारे दूर हो जाएं, बिल्कुल आंच बिल्कुल हल्की कर दें, चिप्स में आग हल्की नहीं होती, तेज होती नहीं, ये हल्की से पे सही पकेगी ना। मैं पका लूँगी आप छोड़ें। चलें जी आप पका लें, आज वैसे मैंने आपसे चिप्स बनवाने की क्योंकि चिप्स का काम आप करते रहे। जी जी वही तो इसीलिए कह रहा हूँ कि गैस हल्की कर दें, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही, तो गैस हल्की करेंगी ना बड़ी बेहतरीन चिप्स तलने होगी। बिस्मिल्लाह इसको सही कड़क करूंगी फ्राई, अजानों का टाइम हो गया, देखा मजे के, ये देखो क्रिस्पी बनी है, क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है। ऐसी चिप्स तो मैं कहता हूँ मेहमान खाएं तो उसी से पागल ही हो जाए। वही ना वो खड़े होने वाला सिस्टम है ना किचन में, फटाफट बना मेहमानों के लिए। ये तो मैं वीडियो में इस तरह बैठती हूँ, विंडे पे बैठती भी अच्छी नहीं लगती।
अभी फ्रिज में इसको फ्रिज में आप पकाती ना, आपने ये कढ़ाई पे क्यों पकाई है, बहुत गर्म आयत कह रही है। आयत नहीं आप लगाना, हम फिक्र चल जाएगी, पीछे हो जाओ बेटा, आपके लिए बनाइए, इसके साथ रोटी खाएंगे। हाँ जी, आज चालन तो नहीं ना पाया? नहीं 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 नहीं, मजे से खाना खाएंगे। ये हमारी, ये भी, ये परोट अब बल्ब से लेके बच्चों को दो तो इतनी कम आती है, तो आयल भी अपना साफ सुथरा, मेरे बच्चों के लिए चिप्स बाहर बच्चे भी खुश हो। ये कमो पे 400-500 रुपए की इतनी आती है। हाँ, हमारे यहाँ लोग खराब हो रहे थे, मैंने कहा सारे हो जाएंगे खराब, तो मैंने दो पे तो ये कि मेरे बच्चे स्कूल से रोटी खा लेंगे, वो तो खुश हो जाते चिप्स को देख के। दूसरी भी तैयार हो गई है, इसका कलर जरा तेज है, अच्छा लगता है ना, ज़्यादा क्रिस्पी बन जी, अच्छा लगता है आपको, क्या अच्छा लगता है आपको? ये लोगों की चिप्स है, ये लोगों की, हमारी नहीं है, आपने खानी है, हम दोनों खाएंगे जी, हम दोनों, मैं और आप खाएंगे। मार माशाल्लाह से प्यारे व्यूअर्स, हमारी इतने मजे के हाथ नहीं लग रहा, क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है ये, ऐसे ऐसे इसको छनका है आपको पता चले, ये देखिए बहुत प्यारी बनी है। प्यारे व्यूअर्स, मेरी चिप्स आप सबको कैसी लगी? तो अब सलाद बनाऊंगी, खीरे और प्याज का सलाद बना के इसमें नमक मिर्च डालूंगी, मिर्चें तो नहीं डालूंगी, नमक डाल के काली मिर्चें इसके साथ, ये हमारे आगे रोटी बनाने का सामान, अभी मैं रोटी बनाऊंगी। हाँ जी, इसको पाइप को पीछे करो, अपनी कढ़ाई उधर कर देती हूँ, तवा इधर रखती हूँ जब तक तवा गर्म होता है, और खाना इसी के साथ खा लेंगे, क्योंकि मुझे राशन का भी कुछ और बनाना होगा, तो वही ये चिप्स होगी, साथ में सलाद बना लेंगे, बच्चे शौक से खा लेंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको व्यूअर्स खुश रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।